Hello everyone. Today's topic is on, under, above, below. On ऊपर, under नीचे, above वो भी ऊपर, below वो भी नीचे. मतलब on, under वो पहले हम देखते हैं कि on and under कैसे होता है. देखो यहाँ पे cat on the table, cat ऑन द टेबल, कैट टेबल के ऊपर है और वो टेबल को टच करके बैठी है. वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स है. कैट के बाजू में एक रेड कलर का टेबल है, डेस्क है. बच्चे वहाँ उसके ऊपर बैठे हैं, मतलब वो ऑन द डेस्क. ओके, यहाँ एक गर्ल बैठी है, वो ऑन द डेस्क. ये बॉय जो पॉइंट आउट कर रहा है वो भी टेबल के ऊपर, मतलब ऑन है. ओके, यहाँ पे एक बॉय है, वो टेबल के नीचे, मीन्स अंडर द टेबल है. हियर यू कैन सी द रैट, रैट इज अंडर द टेबल. तो ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे. सेम वर्ड अबाव एंड बिलो है, पर ऑन में क्या है कि कोई भी चीज को टच करके बैठे हैं. अंडर में क्या है कि वो दोनों के बीच में इतनी बड़ी गैप होती नहीं है. अभी अबाव एंड बिलो में क्या फर्क है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं फैन. वी कैन सी द फैन, फैन अबाव द टेबल. फैन टेबल के ऊपर है, पर टेबल और फैन के बीच में बहुत बड़ा गैप है. ओके, जैसे हमारे घर पे फैन अबाव अवर हेड, हमारे हेड के ऊपर, पर वो गैप बहुत होती है तो हम उनको अबाव बोलेंगे. वैसे ही फैन के बिल्कुल नीचे एक बॉय है, वहाँ पे लिखा है बिलो द फैन. तो वो बॉय फैन के नीचे है, पर फैन और बॉय के बीच में बहुत सारी गैप है तो उनको बोलेंगे बिलो, उनको बोलेंगे बिलो. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. द कैट ऑन द टेबल, अ बॉय ऑन द चेयर. ओके, नाउ हियर कैट ऑन द चेयर, कैट अंडर द टेबल. नाउ अनदर वन कैट इज ईटिंग समथिंग, इट इज अंडर द टेबल एंड अनदर कैट इज ऑन द टेबल. नाउ सी हियर अबाव एंड बिलो. सो फैन इज अबाव द बॉय, बॉय के ऊपर है, एंड बॉय इज बिलो द फैन. तो जब अबाव एंड बिलो का हम यूज करते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन दोनों के बीच में, या कोई भी पर्संस होते हैं या कुछ भी होता है, उन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा होती है और वो उनके ऊपर या उसके नीचे होते हैं, तब हम यूज करते हैं अबाव एंड बिलो. ओके, लेट्स सी लास्ट वन एक्सरसाइज. बिफोर वी हैव लर्न नियर, फर्दर, ओके, देन ऑन, टॉप, बॉटम. सो दिस इज रिलेटेड द एक्सरसाइज. नाउ हियर यू कैन सी अ बर्ड सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, अ बर्ड सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री. नाउ सी हाउस आर फार अवे, यहाँ पे बहुत सारे हाउस है, वो बहुत दूर है. ओके, नाउ हियर सो मैनी लेडीज एंड दीज लेडीज आर नियर द वेल, वो वेल के एकदम नज़दीक है. ओके, एंड द बॉयज एंड गर्ल्स आर सिटिंग एट द बॉटम, एकदम नीचे बैठे हैं. तो ये एक्सरसाइज आपको आपकी टेक्स्ट बुक में कर देनी है. बाय एवरीवन.